हेलो दोस्तों, मैं हूँ चेतन कुमार और ये केमिस्ट्री पर मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना है, इसको डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो ये हैं एंटोनी लेवोजियर। देखिए, सबसे पहले परमाणु को परिभाषित करने वाला इंसान जो था वो जॉन डॉल्टन था। जॉन डॉल्टन ने 1808 में कहा कि पदार्थ एक अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, और जो वे अविभाज्य कण हैं छोटे छोटे, उन्हें उसने परमाणु का नाम दिया। लेकिन बाद में जे जे थॉम्सन तथा रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये भी कुछ और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो देखिए, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, मॉडर्न जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो परमाणु है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण विद्यमान हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मुख्य हैं, जिनके जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ये रेड कलर में बिल्कुल बीच में है, इसे हम नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर ये ब्लू कलर में जो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो ये वृत्त से दिखाई दे रहे हैं, ये कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन रस्तों पर चलते हैं, उन रस्तों को ही हम कक्षाएँ या शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये ऋण आवेशित कण होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और ये न्यूक्लियस के नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में घूमता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश -1.6×10^-19 कुलाम होती है। कुलाम आवेश को मापने की इकाई है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने की थी सन 1897 में, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो कि -1.6×10^-19 कूलाम है, इसका पता लगाने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था सर मिलिकन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को मिलिकन ने जिस प्रयोग द्वारा मापा था, उस प्रयोग को तेल बूंद प्रयोग या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि मिलिकन ने 1909 में किया था। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या उसका मास या उसका भार कितना होता है? वो होता है 9.1×10^-31 किलोग्राम। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। देखिए, किसी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसका परमाणु भार तो इस पार्टिकल के बिल्कुल बराबर हो, लेकिन उस पर जो आवेश है वो इससे बिल्कुल उल्टा हो। मतलब अगर इस पर माइनस आवेश है तो जो इसके एंटी पार्टिकल के ऊपर, उस पर प्लस आवेश होगा, प्लस चार्ज होगा, और अगर इस पर प्लस चार्ज है तो उस पर माइनस चार्ज होगा। तो आगे हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन एक धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जो कि परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से बिल्कुल उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और इस पर प्लस 1.6×10^-19 कुलाम होता है। तो प्रोटॉन की खोज सबसे पहले यूजन गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में एनोड किरणों के रूप में की थी। उसने जो यूजन गोल्डस्टीन था उसने इन्हें एनोड किरणें कहा था, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने इन धनावेशित कणों को पहले तो हाइड्रोजन के परमाणु का नाम दिया और फिर बाद में इसे प्रोटॉन का नाम दे दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि परमाणु की खोज किसने की, तो हम प्रेफरेंस गोल्डस्टीन को देंगे। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है तो हम रदरफोर्ड को टिक करेंगे। आगे, प्रोटॉन पर आवेश हमें पता है कि +1.6×10^-19 कूलाम होता है, लेकिन जो इसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो 1.672×10^-27 किलोग्राम होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के से लगभग 1836 गुना भारी होता है। अब प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल है
उसे हम एंटी प्रोटॉन कह देते हैं। आगे है भी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये एक उदासीन कण है, मतलब कि इस पर ना तो ऋण आवेश है और ना ही धन आवेश है, और ये नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? वो की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान या मास या भार 1.674 × 10⁻²⁷ किलोग्राम है। ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। देखिए, हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। आगे देखते हैं कि न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। आगे हम परमाणु संख्या के बारे में देखते हैं। परमाणु संख्या क्या होता है? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कह देते हैं। लेकिन अगर परमाणु जो है वो उदासीन है, उस पर ना धन आवेश है और ना ही ऋण आवेश, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी परमाणु संख्या के बराबर होगी, क्योंकि किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। तभी तो जो परमाणु है वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। आगे हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कह देते हैं। देखिए, किसी परमाणु में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को अगर हम जोड़ दें तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसका मतलब ये है कि इसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है वो 12 है। अब देखिए, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है सी, सी कार्बन का संकेत है, कार्बन को हम सी से लिखते हैं, और उसके ऊपर मैंने लिख रखा है 12। ये परमाणु द्रव्यमान है, और किसी भी तत्व के संकेत के ऊपर हम परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं और नीचे की ओर परमाणु संख्या को लिखते हैं। देखिए, कार्बन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 6 है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है। अगर परमाणु संख्या 6 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, क्योंकि कार्बन उदासीन परमाणु है। और अगर हमें अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि परमाणु संख्या में से 6 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या का मतलब है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, लेकिन हमें पता है कि प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो हम 12 में से 6 घटाकर न्यूट्रॉनों की संख्या को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। हमें पता है कि नाभिक परमाणु का बिल्कुल केंद्र वाला भाग होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर नाभिक की खोज की। उन्होंने धातु की पत्ती पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। देखिए, उन्होंने सोने की धातु पर अल्फा के कणों की बौछार की और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले। देखिए, अल्फा कण क्या होते हैं? ये धन आवेशित कण होते हैं जो कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में से निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो रदरफोर्ड के द्वारा किए गए प्रयोग को हम समझते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सी आकृति का एक यंत्र है, डिवाइस है, जिसके अंदर एक तत्व है जिसका नाम रेडियम है, और उस रेडियम तत्व में से अल्फा कण निकल रहे हैं, क्योंकि वो जो रेडियो रेडियम तत्व है वो एक रेडियो सक्रिय तत्व है और उसके नाभिक में से निरंतर अल्फा कण निकलते रहते हैं। रदरफोर्ड ने इन अल्फा कणों की बौछार सोने की पत्ती पर की, तो उसने क्या देखा कि जो अल्फा कण है, ज़्यादातर अल्फा कण सोने के जो परमाणु में से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विचलन के सीधे निकले जा रहे थे, और कुछ कण थे जो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो रहे थे, और बहुत कम कण सोने के परमाणु के बिल्कुल बीच वाले भाग से टकरा कर वापिस अपने रास्ते पर लौट रहे थे। तो इससे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला तो ये कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि ज़्यादातर कण परमाणु में से सीधे निकले जा रहे थे बिना किसी विचलन के। दूसरा, उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में एक धन आवेशित भाग है।
जिसके कारण अल्फा कण अपने स्थान से विचलित हो रहे थे। देखिए, हमें पता है कि जो समान आवेश होते हैं वही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो परमाणु के भीतर कोई धन आवेशित कण होगा जो कि अल्फा कणों को अपने स्थान से विचलित कर रहा होगा, क्योंकि अल्फा कण भी धन आवेशित कण है। आगे तीसरा निष्कर्ष उसने निकाला कि जो परमाणु के भीतर धन आवेशित भाग है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग है, क्योंकि बहुत कम कण, 20,000 में से लगभग एक कण ही जो अपने रास्ते पर वापस लौट रहा था। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद नील्स बोहर नाम का वैज्ञानिक आता है जो कि अपने नाम पर बोहर मॉडल देता है। सन 1913 में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। नील्स बोहर ने बोहर मॉडल में दो विशेष बातें बताई थी। नंबर एक, कि इलेक्ट्रॉन ऐसी सुनिश्चित कक्षाओं में घूमता है जिसमें उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में घूम सकता है, बल्कि वो कुछ ऐसी कक्षाओं में घूमता है जिसमें उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन ना होता हो, और ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं या स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। नंबर दो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में लौटता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में लौटता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में एनर्जी को एमिट करता है। तो ये तो था आज का लेक्चर। नीचे आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर एक, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, बी, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, सी, केवल इलेक्ट्रॉन, डी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रश्न दो, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए, जे.जे. थॉम्सन, बी, जेम्स चैडविक, सी, रदरफोर्ड, डी, एंटोनी लेवोजियर। क्वेश्चन थ्री, किसी तत्व की परमाणु संख्या 8 है तथा द्रव्यमान संख्या 16 है, तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ए 16, बी 24, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, बी द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, सी नाभिक संख्या या न्यूक्लियस नंबर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए जे.जे. थॉम्सन, बी जेम्स चैडविक, सी गोल्डस्टीन, डी जी.पी. थॉम्सन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन कौन नहीं है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। सेवन्थ क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ए एंटोनी लेवोजियर, बी जॉन मेंडल, सी चार्ल्स बेबेज, डी आर्यभट्ट। एट्थ क्वेश्चन है, इसमें तत्व का संकेत दे रखा है और उसमें और उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो तत्व का संकेत एक्स दे रखा है, नीचे 7 और ऊपर 14 लिख रखा है। 7 का मतलब इसकी परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है, तो आपको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है। एट्थ क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? ए आर्यभट्ट, बी जेम्स चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी नील्स बोहर। टेंथ क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किस प्रयोग द्वारा की? ए तेल बूंद प्रयोग द्वारा, बी अल्फा कणों की सोने की पत्ती पर बमबारी करके, सी लोहे की पत्ती पर बीटा कणों की बमबारी करके, डी इनमें से कोई नहीं। इलेवंथ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ए 1.674 × 10⁻²⁷ kg, बी 1.672 × 10⁻²⁷ kg, सी
9.1 × 10⁻³⁻³ केजी और डी −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।